नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। काश दोस्त अगर ये नोटिफिकेशन रियल होती है तो बड़ा मजा आता है। इस नोटिफिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्त। ये नोटिफिकेशन हमारे ग्रुप के अंदर और काफी सारे बच्चे मेरे को शेयर कर रहे, सर ये क्या हो गया, एग्जाम तो कैंसिल हो गया अक्टूबर नवंबर वाला जो होने वाला था। मैंने कहा भाई ये कब कैसे हो गया। अक्सर दोस्त जब भी कोई ऐसा फैसला होने वाला होता है तो मैं आपको 2 या 3 दिन पहले ही बता देता हूँ कि दोस्त ऐसा होने वाला है और नोटिफिकेशन जरूर आएगी। और ये जैसे कि दोस्त अप्रैल देख लो आप, एग्जाम कैंसिल हुआ लास्ट ईयर, अप्रैल एग्जाम कैंसिल हुआ, नोटिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था दोस्त एग्जाम कैंसिल होगा। लेकिन अभी जब ये नोटिफिकेशन जब देखने को मिला मैं हिल गया। मैंने दोस्त फटाफट को नोएडा सेक्टर 62 में जो अधिकारी बैठे रात को, अभी नोटिफिकेशन दोस्त ये मेरे को देखने को मिला है, मैंने फटाफट उनसे बात करी। उन्होंने बोला हमने कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया ही नहीं है। मैंने सोचा भाई ये क्या चल रहा है। दोस्त जब ये नोटिफिकेशन सच्ची होती तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात होती, लेकिन अगर सच ये नहीं है और ये झूठ अगर ये फैलाया जा रहा है तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का लॉस हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन को मानकर बच्चे अपनी पढ़ाई को छोड़ भी सकते हैं, जब दोस्त कल से ही आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हों। तो मैं दोस्त आज इस नोटिफिकेशन को क्लियर कर देता हूँ। ये नोटिफिकेशन काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है सिस्टम में एंड ट्विटर के ऊपर भी एंड इंस्टाग्राम के ऊपर देखा जाए एंड काफ़ी सारे बच्चे इसको फेसबुक वगैरह पे भी शेयर कर रहे हैं। दोस्त ये नोटिफिकेशन फेक है, अभी मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा। मैंने आपको बता दिया दोस्त, मैं नोएडा बात कर लिए एंड उसके हेड क्वार्टर में हेड ऑफिस में बात कर लिए, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, ये हमने जारी नहीं किया, एनएस बोर्ड ने ऐसा कह दिया है। और मैं हमेशा जब भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो पहले हमेशा एनएस हेड ऑफिस में एनएस हेड क्वार्टर में हमेशा बात करता हूँ, देन उसके बाद मैं आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचाता हूँ। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इस बार अक्टूबर नवंबर के एग्जाम्स को कैंसिल तो एनएस बोर्ड वाले नहीं करने वाले, हाँ फ्लेक्सिबिलिटी चेकिंग के बाद आपको राहत जरूर देने वाले हैं, मोस्टली बच्चे पास किए जाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। लेकिन नोटिफिकेशन ये नकली कैसे है ये आपको बता देता हूँ। और आगे से अगर कोई नोटिफिकेशन आती भी है तो आप भी ये पता कर सकते हो कि नोटिफिकेशन नकली है या असली है। सबसे पहले लास्ट नोटिफिकेशन जो एनएस बोर्ड ने जारी करी है वो है आपकी डेट शीट की। आप एनएस की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको डेट शीट मिल जाएगी। दोस्त आपने डेट शीट को देखा होगा ना, अभी तक तो देख लिया होगा। ये है एनएस की डेट शीट, आप ये देखिए एक बार, जो अभी लास्ट नोटिफिकेशन जारी किया है एनएस बोर्ड ने, जो देखोगे आप तो अधिसूचना नंबर 49 है, ठीक है, यानी कि जो नोटिस नंबर होता है, एक नोटिस जारी की जाती है उसका एक सीरियल नंबर होता है, वो 49 है। और हमेशा एनएस बोर्ड डेट ऐसे लिखता है, यहाँ पे दिनांक अगर हिंदी में लिखना है, अगर इंग्लिश में लिखेगा एनएस बोर्ड हमेशा आपको देखो डेटेड ऐसे लिखा जाएगा, डी कैपिटल होगा, हमेशा ध्यान रखना स्मॉल नहीं होगा फर्स्ट लेटर, एंड डेट को इस तरीके से लिखा जाता है। और देख लीजिए अब नोटिफिकेशन नंबर जो है वो 49 है, जो लास्ट नोटिस जारी करी गई है वो, अब मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। और यहाँ पे दोस्तों फैक्स नंबर होता है, ये फैक्स नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देखोगे तो F10 है यहाँ पे एंड 2021 है यहाँ पे, ठीक है, या कुछ समझ में आ गया। और इसके बाद एनवेस फिर एवोल्यूशन थ्योरी एग्जामिनेशन कुछ ऐसा यहाँ पे लिखा होता है। अब मैं आपको वो नोटिस दिखाता हूँ जो यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में फेक न्यूज नाम से, चलिए इस पे आते हैं दोस्त। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आप इसको देख के बताइए, एनवेस बोर्ड कभी ऐसा लिखता है, कभी भी नहीं लिखता एनवेस बोर्ड ऐसा। डी यहाँ पे दोस्त स्मॉल में हो, डेटेड और इसके बाद नवंबर पूरे फुल में, नहीं भाई एनएस क्या करता है यहाँ पे 11 लिख देगा, 11th मंथ चल रहा है ऐसा लिखता है वो, आपको मैंने अभी दिखाया। तो इससे एक चीज़ साबित हुआ था ये बिल्कुल ही नकली है। जिसने भी दोस्त अपना दिमाग लड़ाया है इसमें, वो टाइम वेस्ट करने में दिमाग लड़ा रहा है, बच्चों को खामे खां भ्रमित कर रहा है, कन्फ्यूज कर रहा है, बच्चों को पढ़ने से रोक रहा है और खामे खां कईयों की जिंदगी खराब करने की कोशिश कर रहा है वो। अगर ये नोटिस सच्ची है तो खुशखबरी की बात होती, पहले आपको पहले ही बताया। लेकिन ऐसे में अगर बच्चों को कन्फ्यूज करके वो पता नहीं क्या हासिल करना चाहता है, ऐसे कौन से कोचिंग वाले या किसने ऐसा गंदा काम घिनौना काम किया है, बड़ा दुख होता है यार भाई। कम से कम बच्चों को कन्फ्यूज तो मत करो। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ किसी एक चैनल को फॉलो करो जो हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। एनएस के नाम पर दोस्त जब आज से 9 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ मैं, कोई नहीं हुआ करता था दूर दूर तक, है कोई नहीं हुआ करता था। लेकिन अब देखो मार्केट में ना जाने कितने भर चुके हैं, पता नहीं क्या क्या काम करते रहते हैं यार वो, ऐसे नोटिफिकेशन जारी करके। अब जरा आप यहाँ पे देखो फैक्स नंबर, आप देखो जरा एक बार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर 244 यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखो यहाँ पे क्या 2012 लिखा हुआ है। बाप भाई नोटिफिकेशन नवंबर 2021 की है, डेट 14 तारीख उस बंदे ने लिख दिया जिसने भी इसको जारी किया है, और यहाँ पे फैक्स नंबर में 2012 लिखा हुआ है, यानी कि 2012 का नोटिफिकेशन, और फिर भी गलत है ये। और उसके बाद दोस्त अगर आप देखोगे तो नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे 42 है, लास्ट नोटिफिकेशन 49 की है डेट शीट वाली, 49 के बाद 50 आएगी, 51 आएगी, तो उसके बाद ये 42 कहाँ से आ गई भाई, ये देखिए आप, हाँ ये क्या बवासीर है भाई, ये बच्चों को पागल बनाया जा रहा है। तो इन
ऐसे लोगों से बचकर है दोस्त, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जैसे आप देखोगे तो इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि एक हफ्ते का दोस्त जो दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगाया है, यानी कि ये अपनी लॉकडाउन जैसा वर्ड यूज किया, एंड इसके बाद हाँ ये बात ठीक है कि दिल्ली के अंदर स्कूल्स बंद हैं, साउथ के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई है, उसके वजह से एग्ज़ाम्स कैंसिल किया जा रहा है, इस नोटिफिकेशन में लिख दिया गया। ये देखिए एग्ज़ाम कैंसिल और बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है इंटरनल बेसिस पे। लेकिन दोस्त ये बात तो सही है कि दिल्ली के अंदर स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, कॉलेज को बंद कर दिया गया है, साउथ के एरिया काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है, ऐसे में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसका क्या होगा? एनएस बोर्ड ने इसको लेकर अभी कोई क्लियर नहीं किया गया है। मे बी जो एग्ज़ाम्स अभी आपके होने वाले हैं जब तक स्कूल्स बंद हैं, वो एग्ज़ाम्स आपके आगे करवा लिए जाएंगे, उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा, बाकी जो आपके एग्ज़ाम्स हैं डेटशीट अकॉर्डिंग टाइम पर ही होगा। तो ऐसे में आप इस बात पे बिल्कुल भी ना रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे नोटिफिकेशन के चक्कर में जो फेक तरीके से बना के दिया जाता है दोस्त, अगर मैं आपको ये नहीं नोटिफिकेशन जल्दी से वीडियो बनाता ना जाने दोस्त बच्चे के पास ये सर्कुलेट हो जाता कहाँ कहाँ थे और बच्चे पढ़ाई तक छोड़ देते अपनी, अरे यार चलो हो गया आप तो, ऐसे में क्या होता आपका बहुत बड़ा लॉस होता जब आपको पता चलता कि नोटिफिकेशन फेक है, क्योंकि बाद में आपको पता चलता। जल्दी से दोस्त मैंने इस वीडियो को बनाकर बताया। बाकी दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर आप सभी बच्चों को ज्वाइन करवा लिया मैंने, आप सबको ग्रांटेड पास करवाने के लिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अप्रैल 2022 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रीमियम, हमारा जो प्रीमियम बैच है वो लॉन्च हो चुका है, प्लीज़ प्रीमियम बैच को हमारे ज्वाइन कर लेना आप, क्योंकि उस बैच के अंदर आपको वो फील होने वाला है जो अब तक एनएस के इतिहास में नहीं होगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप एक एक करके सारे लिंक को क्लिक करो जो आपका कोर्स है, एंड उसके बाद आप चेक करो डिटेल्स कि आपको प्रीमियम बैच के अंदर मिलने क्या वाला है। लिंक नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, आप इस वीडियो को सब जगह शेयर करके सभी की हेल्प करना। बाकी दोस्त दिल्ली में जो स्कूल्स बंद हैं उसको लेकर अब एनएस बोर्ड क्या एक्शन लेने वाली है, एंड साउथ के एरियाज में जो बच्चे काफ़ी अफेक्टेड हैं एनएस बोर्ड को उन बच्चों के लिए राहत देना चाहिए, इसके लिए मेरे दोस्त दरख्वास्त रहेगी एनएस बोर्ड से कि जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाए। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि नोटिफिकेशन जो भी हो मैं जल्द आपको दूँ और ऑथेंटिक तरीके से दूँ। बाकी दोस्त इसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, मेरी खबर सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएगी एनएस के रिगार्डिंग कि अब दिल्ली में स्कूल बंद है या साउथ में ऐसा कुछ है तो उसके लेकर एनएस बोर्ड क्या करने वाली है। लेकिन जो भी एनएस बोर्ड करेगी आप सबके इंटरेस्ट में होगा, आप सभी के फायदेमंद में होगा, मैं इतना दोस्त आपको एश्योर कर सकता हूँ। चैन की नींद सो, मजे करो, रोज करो, कम पढ़ो बट रोज पढ़ो ताकि एनएस एग्जाम चुटकी में निकाल दो, ठीक है दोस्त। चलिए इस वीडियो को सब जगह शेयर करना। नोटिफिकेशन आपको मैंने बता दिया दोस्त टोटली नकली है ये, एंड कोई रियल नोटिफिकेशन आती है तो मैं ज़रूर बताऊंगा आप सभी को, क्योंकि अभी तक हेड ऑफिस के द्वारा ये बिल्कुल नहीं बताया गया। दोस्त लिंक में हूँ हेड ऑफिस से, जो भी कुछ होता है तो तुरंत पता चल जाता है। चलिए दोस्त मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना प्यार बनाए रखना। हाँ एक बात और, अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है उसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का, आप जाके दोस्त जल्दी से मेरे को फॉलो कर लो और जो भी मुझसे पूछना है पूछ लो इंस्टाग्राम पे, ये दोस्त फैसिलिटी दे रहा हूँ मैं खुद वहाँ पे रिप्लाई करूँगा आप सभी को। इंस्टा पे आ जाओ जल्दी जल्दी, मेरे को सारे फॉलो कर लो जल्दी जल्दी से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। मेरे चाहने वाले, मेरे दिलदार, मेरे दिल के टुकड़ों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, प्यार बनाए रखना। जय हिंद जय भारत।